हेलो फ्रेंड्स, आज आपका अपने चैनल कंप्यूटर बाबा में स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर में जानेंगे कैसे हम अपने कंप्यूटर को शटडाउन कर सकते हैं। शटडाउन तो कर लेते हैं, बट ऑटोमेटिक कैसे शटडाउन करेंगे या ऑटोमेटिक कैसे अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग विंडो की के साथ आर दबाएंगे, जहाँ पे एक हमारी रन विंडो आएगी और इस पर हम लोग लिखेंगे नोट पैड। यहाँ से भी लिख के ओके करके नोट पैड को ओपन कर सकते हैं, या टाइप हेयर टाइप में जाके यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नोट पैड। नोट पैड टाइप करने के बाद इंटर करेंगे तो यहाँ से भी हम अपने सिस्टम में नोट पैड ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे वो कमांड लिखेंगे जिससे हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक रिस्टार्ट भी हो सकता है, ऑटोमेटिक शटडाउन भी हो सकता है। तो कमांड क्या है, आइए जानते हैं। SUD शट डाउन, शट डाउन स्पेस माइनस आर। आर का मतलब यहाँ पे होता है रीस्टार्ट। आर का मतलब क्या है, रीस्टार्ट। जब हमको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है तो हम लोग माइनस आर लिखेंगे। जब हमको अपने कंप्यूटर को शटडाउन करना है तो माइनस एस लिखेंगे। तो आर का मतलब क्या है, रीस्टार्ट। एस का मतलब क्या है, शटडाउन। तो हम लोग यहाँ पे सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आर स्पेस माइनस टी। टी का मतलब होता है टाइम, मतलब कितने टाइम में हमको अपने सिस्टम को ऑटोमेटिकली स्टार्ट करना है। मतलब जो भी हम टाइम देंगे, जैसे हम एक घंटा भी दे सकते हैं, 30 मिनट भी दे सकते हैं, जितने टाइम में हमको अपने सिस्टम को शटडाउन करना है तो वहाँ पे हम वो टाइम देंगे। सपोज हम लोग मूवी देख रहे हैं और हमारा सिस्टम दूर रखा है, हम चाहते हैं मूवी की ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटा 30 मिनट की है, तो उसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करके यहाँ पे वो सेकंड डाल देंगे और क्लिक कर देंगे। तो ऑटोमेटिक जैसे ही 2 घंटा 30 मिनट होगा तो हमारा सिस्टम क्या होगा, ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा। कहीं वहाँ पे एस लिखा होगा, कहाँ पे एस लिखा होगा, यहाँ पे एस लिखा होगा, तो हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम क्या होगा, शटडाउन हो जाएगा। जो टाइम देंगे वो हमारा सेकंड में देंगे, तो हम लोग 60 सेकंड दे देते हैं, मतलब 1 मिनट में हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक क्या होगा, रिस्टार्ट हो जाएगा। इतना लिखने के बाद इस फाइल को हम लोग सेव कर लेंगे, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। तो सेव पे जाएंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग ऑल फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे shutdown.bat। सपोज देखा जाए तो एक छोटा सा ये वायरस ही है जिसको हम क्रिएट करके अपने सिस्टम को क्या कर रहे हैं, शटडाउन कर रहे हैं। और यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव कर लेंगे और इसको हम लोग यहाँ से बंद कर देंगे। जैसे ही हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, सिस्टम 30 सेकंड के बाद बंद हो जाएगा। इसको आप लोग करके देखिएगा, जैसे आप डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक 1 मिनट के बाद आपका सिस्टम क्या होगा, शटडाउन हो जाएगा। कहीं ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।